मैं श्वेता भट्ट नेशनल टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग सही ढंग से खा नहीं पाते और ऊपर से अगर बरसात हो जाए तो लोग मनपसंद कुछ भी नहीं खा पाते हैं और ज़्यादातर परेशानी तो उन लोगों को होती है जो मांसाहारी खाना खाते हैं। ऐसी ही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए दादर की मनाली कामत ने फ़िश स्टॉल चालू किया हुआ है। आइए जानते हैं उन्हीं से इस फ़िश स्टॉल के बारे में। हाय मनाली, ने पहले तो आप अपनी इस फ़िश स्टॉल के बारे में बताइए। जी, सो बेसिकली मेरा यहाँ पे दादर में फ़िश वर्कशॉप है। मैं पहले खुद सारस्वत बैंक में काम करती थी तो खाने का तो बहुत शौक़ था, लेकिन कौन वो ऑफिस से थका हुए आके मार्केट में जाके वो लेके आओ, फिर साफ़ करके मसाला लगा के वो खाइए, इसके लिए टाइम नहीं रहता था। तो इसलिए ये आइडिया क्लिक हुआ कि क्यों ना ऐसे फ़िश वर्कशॉप बनाया जाए फॉर वर्किंग वुमेन जिनको टाइम नहीं है मार्केट में जाके लेके आने के लिए वो सब करने के लिए। तो उनको अगर रॉ चाहिए तो आप देख सकते हैं ऐसे फ़िश डिस्प्ले रहता है, रॉ चाहिए तो रॉ फ़िश, मैरिनेटेड फ़िश चाहिए तो मैरिनेटेड फ़िश। तो उनको सिर्फ ये रवा में डुबो के फ्राई किया तो हो गया रेडी टू ईट ऐसे। और वैसे ही हम लोग फ़िश थाली देते हैं जिसमें डायरेक्ट रेडी टू ईट राइस, सोल कड़ी, फ़िश फ्राई, फ़िश करी और पकोड़ा, फ़िश पकोड़ा ये रेडी रहता है। सो ये सब कॉर्पोरेट्स में जाता है जहाँ पे खोल लिया और फ़िश खा लिया ऐसे। मनाली, मैं पूछना चाहूँगी, आप सारस्वत बैंक में जॉब करती थी, मे बी आपका जॉब बहुत अच्छा था, फिर भी आपको ये फ़िश का आइडिया कहाँ से आया? मैं खुद गोवन हूँ तो हम लोग के तो खून में है फ़िश खाना और ऐसे। और सारस्वत बैंक में काम करते वक्त मुझे हमेशा ऐसे था कि खुद कुछ भी ऐसे खुद का करूँ, टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। तो गोवा फेस्टिवल, यहाँ पे एक बेसिकली फूड फेस्टिवल होता है, वहाँ पे मैंने स्टॉल रखा था तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला। ऑलमोस्ट 5,000 लोगों ने वहाँ पे आके फ़िश खाया और वो जो किक था कि हाँ लोग खा रहे, अच्छा खाना सबको खिला रहे और अच्छा लग रहा है, उसकी वजह से मोटिवेशन आया कि खुद से ही कुछ तो करते हैं। और ये जस्ट फ्राइड जो कंसेप्ट है वो आज के भागा दौड़ी के ज़माने में बहुत ज़्यादा सब लोगों को बहुत कन्वीनियंट पड़ रहा है। सो कन्वीनियंट सेलिंग जो है कंसेप्ट वो हो रहा है कि वर्किंग वुमेन हो या मे बी हाउसवाइफ्स हो जिन्होंने पूरा उनका जो है साल बोलिए या लोगों का बच्चों का बनाने के लिए और ये वो टाइम जाता है, तो उनके लिए ये बहुत कन्वीनियंट है कि आके सीधा फ्राई किया और हो गया ऐसे। ऊपर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनके पास भले पैसे रहते हैं या वक्त रहता है लेकिन उतनी एनर्जी नहीं रहती है फ़िश मार्केट में जाके वो लेके आके खुद से करे, तो उनके लिए ये बहुत कन्वीनियंट हो गया है। अच्छा, ये मनाली जो ये फ़िश रहते हैं वो पूरी तरह से फ्रेश रहते हैं? और जी, सो मैं खुद सुबह 4 बजे उठ के जाती हूँ फ़िश मार्केट, ससुन डॉक्स और कुलाबा फ़िश मार्केट में, और ये सब स्टॉक फ्रेश वहाँ से आता है। यहाँ पे क्लीनिंग, जो मेरा फ़िश वर्कशॉप है कामत्स जस्ट फ्राइड, उसमें सब क्लीनिंग होता है, सब आपके सामने आँखों के सामने ही होता है क्योंकि फ़िश कैसे है उसका स्मेल रहता है या स्टिंक आ गया, ख़राब हो गया, इट्स अ पेरिशेबल कमोडिटी। तो इसकी वजह से क्लीनिंग बोलिए या 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिनेशन, सो मे बी पापलेट वो ही रहेगा, लेकिन अगर आपको CKP मसाले में खाना है, हर एक का कास्ट क्रीड अलग रहता है, या कोल्हापुरी मसाले में खाना है, या आपको जैसे चाहिए सारस्वत मसाला वैसे हम लोग यहाँ पे बना के देते हैं। और होम डिलीवरीज तो होम डिलीवरीज, या आप खुद आके भी ले जा सकते हैं वैसे। आप कितने तरह की फ़िश बनाती हैं और कौन से मसाले यूज़ करती हैं? सो अराउंड यहाँ पे सुरमई, पापलेट, प्रॉन्स, हलवा, रावस, बोम्बिल, बांगड़ा ये सब तो रहता ही है। और अगर क्रैब्स किसी को चाहिए या फिर तीसरा जिसको श्रिम्स जिसको बोलते हैं वो चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन देयर ऑर्डर्स पीपल कॉल मी एंड देन एवरी डे मॉर्निंग व्हेन आई गो आई पिकअप द फिश फॉर देम एंड एज पर ऑर्डर्स वी मैरिनेट एंड गिव इट टू देम। और मैरिनेशंस जो है वो CKP मसाला, सारस्वत मसाला, गोवन टिपिकल विंडालू, रिशादू, काफ्रियल मसाला, फिर फिश स्टफिंग भी हम लोग देते हैं उसमें कि या स्टफ्ड पॉम्फ्रेट एंड ऑल, तो वो सब यहाँ पे बनता है। और फिर अगर आपको कोई कोई लोग रहते हैं दे आर सो स्पेसिफिक अबाउट देयर ओन मसाला कि मुझे खुद से ही हम लोग का घर का जो मसाला है वही लगाना है, तो हम लोग रॉ भी दे देते हैं, या कोई बोलते हैं सिर्फ नमक डाल के दे दो बस बाकी का मसाला हम लोग डाल देंगे, तो हम लोग वैसे भी देते। तो इट इज़ एब्सोल्युटली कस्टमाइज एज पर कस्टमर्स नीड। डेली आपके कितने कस्टमर्स हैं?
सो अराउंड बांद्रा टू कुलाबा हिल्स डिलीवरीज जा रहे हैं दादर से. सो अराउंड मेरे एक 50-60 क्लाइंट्स फिक्स्ड है जो सुबह फ़ोन करके बोलते हैं कि यू नो मुझे घर पे ये डिलीवरीज चाहिए और भिजवा दो ऐसे. सबसे ज़्यादा किस चीज़ फ़िश की डिमांड है और कौन से मसाले की? सबसे ज़्यादा फ़िश तो भाई प्रॉन्स कोलंबी जो है वो तो सबसे ज़्यादा जाती है, क्योंकि करी में हो या फिर फ्राई करना हो या यू नो पकौड़े बनाने हो तो प्रॉन्स इज़ द बेस्ट सेलिंग. बट पीपल इन बॉम्बे रियली लाइक बॉम्बे डक, दैट इज़ वाई इट इज़ नेम लाइक दैट. सुरमई भी बहुत अपसेलिंग है, सो इवन इफ पीपल वॉन्ट जस्ट टू स्लाइसिस ऑफ सुरमई वी आर गिविंग इट ऑफ बिकॉज इट्स न्यूक्लियर फैमिली दिस डेज. सो सिर्फ पति पत्नी रहते हैं या सिर्फ दो जन ही रहते हैं तो उनके लिए इतना बड़ा सुरमई लो या यू नो छः बांगड़े लो इतनी ज़रूरत नहीं रहती. इसकी वजह से सिर्फ दो अगर पीसेज या स्लाइसिस चाहिए तो वो भी हम लोग डिलीवर करते हैं. मनाली कामत, आई एम ओनर ऑफ कामत्स जस्ट फ्राई ईट. वी हैव अ फिश वर्कशॉप हियर इन दादर. ओके, सो वी हैव रॉ फिश, मैरिनेटेड फिश एंड फ्राइड फिश, एवरीथिंग डिलीवर्ड एट योर होम यू नो डोर स्टेप, जस्ट अ कॉल अवे. प्लीज डू कम, डू विजिट अ फिश वर्कशॉप हियर और यू कैन कॉल अस ऑन 7 6 6 9 1 8. I will repeat 7 6 6 9 1 8. Kamath's Just Fried. National Times for coming here and recording this. Thank you so much.